मध्य प्रदेश में लगातार 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। सागर जिले के शाहपुर इलाके में रविवार सुबह बारिश की वजह से 50 साल पुराने मकान की दीवार गिर गई। इसमें 9 बच्चों की दबकर मौत हो गई और 4 घायल हैं। इनमें से ज्यादातर 10 से 14 साल के हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी के अशोकनगर जिले में रविवार को जल स्तर बढ़ने के कारण महारानी लक्ष्मीबाई बांध के 12 गेट खोल दिए गए। यूपी एमपी हाईवे बंद है। राज्य में 58% यानी 21.6 इंच बारिश हो चुकी है। यह सामान्य से 2.6 इंच ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन में शनिवार देर रात बादल फटने की घटना हुई। अचानक बाढ़ आने से मलबे में कई गाड़ियां दब गईं, कई घरों का भी नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे बंद हो गया है। कश्मीर घाटी लद्दाख से कट गई है। जनहानि की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों में बादल फटने की घटनाओं के कारण 114 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने राज्य में 7 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है और येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 27 जून से 1 अगस्त के बीच बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड में 79 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम की स्थिति पर IMD वैज्ञानिकों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी जो मानसून है काफी एक्टिव फेज में है, उसका रीज़न क्या है कि अगर मैं आपको सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूँगा, जहाँ पे आपको इंटेंस क्लाउड दिख रहे हैं, जहाँ पे एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट MP में। इसके अलावा जहाँ दूसरा जो क्लाउड्स देख रहे हैं वहाँ पे साउथ वेस्ट राजस्थान और ज्वाइनिंग पाकिस्तान पे एक लो प्रेशर बना हुआ है। इसके प्रभाव से क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जहाँ रहा नॉर्थ ईस्ट MP, नॉर्थ छत्तीसगढ़, झारखंड, अब जब सिस्टम आगे आया तो अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है, वो राज्य हैं जनरली मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट मीन वेस्ट MP, उसके अलावा ईस्ट राजस्थान, उसके अलावा गुजरात रीजन और कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र, वहाँ आज के लिए इन सिस्टम्स के कारण एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। कल ये सिस्टम थोड़ा वीक हो जाएगा और उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो मेजर जो आज का जो मेजर वेदर है इसी रीजंस के लिए है, वही हमारा रेड अलर्ट है। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, जैसे वेस्ट कोस्ट की बात करें, केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ हम, या तमिलनाडु, वहाँ हम हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में 6 से 12 सेंटीमीटर हो सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। अगर हम NCR दिल्ली की बात करें कि जो कि वहाँ पे हम आने वाले दिनों में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं होने वाली 2 दिन स्पेशली, उसका रीज़न क्या है कि जो मानसून ट्रफ है डीप डिप्रेशन के कारण काफ़ी साउथ में है, वहाँ पे वियो बंगाल अरबीन सी से ज़्यादा हवाएं जा नहीं रही और वहाँ पे इसलिए अगर एक्टिविटी हुई बहुत लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम थोड़ा वीक होगा, फिर जो मानसून ट्रफ अपना नियर पोजीशन में आएगा, फिर इसमें लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हम NCR दिल्ली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो रेनफॉल दर्ज हुआ है तो कल तक जो है MP का जो मानसूनी वर्षा वो इस प्रकार है कि MP एज ए होल जो है नॉर्मल से 14% ऊपर चल रहा है। ईस्ट MP जो कि अभी पीछे चल रहा था वो काफ़ी मेकअप होके अभी वो भी नॉर्मल से 6% ऊपर चल रहा है और वेस्ट MP नॉर्मल से 21% ऊपर चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा बारिश मिला है और अभी पिछले 24 घंटे की बात करें तो ईस्ट MP में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। वहाँ पर कटनी में 235.4 हाईएस्ट रेनफॉल दर्ज किया गया है और ईस्ट MP में लगभग 37 स्टेशनों पर जो है हैवी रेनफॉल, 35 स्टेशनों ने वेरी हैवी रेनफॉल और एक जो है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दर्ज किया है। वेस्ट MP में भी जो है आपके अलीराजपुर में जोबट करके हैं वहां पर जो है 99.2 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज किया गया है। यहां पर भी 5 स्टेशनों ने हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है। अभी सिस्टम की बात करें तो वो नॉर्थ ईस्ट MP के ऊपर बना हुआ है, लगभग सतना के आसपास कहीं बना हुआ है और उसकी मूवमेंट वेस्टर्ली है, वेस्टर्ली है तथा एक मानसून ट्रफ जो है अपने प्रदेश के गुना से होते हुए तथा जो लो प्रेशर एरिया उससे होते हुए आगे बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। तो इसके कारण अभी जो आगामी 24 घंटों में जो हमने दिया है उसमें जो है मोस्टली अभी जो हैवी रेनफॉल होगा अभी ज्यादा देखने को मिलेगा सेंट्रल एंड वेस्ट MP की तरफ, क्योंकि सिस्टम जो है वेस्टर्ली मूव कर रहा है। तो इस एरिया में सेंट्रल एंड वेस्ट MP में आने वाले 24 घंटों में कई जगह पर हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा।